हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री इस लेक्चर में। और हमारे पास जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर, और उसके ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल भी लास्ट क्लास में हमने किया था। ठीक है, अब ऐसा है कि अभी तक जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स जो है अभी तक जो मेरे हिसाब से बन सकते हैं उनके ऊपर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे के टॉपिक्स हम बताते हैं। ठीक है, तो मेरे सामने पहला सवाल दे रखा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी एट 400 केल्विन आर 450 एंड 700 mmHg रेस्पेक्टिवली। तो मेरे पास ऐसा ए और बी दो कंपोनेंट है मेरे पास किसी सॉल्यूशन के, इसमें से मेरे पास ए का है ना, तो प्योर ए का जो मेरे पास ऐसा है वेपर प्रेशर वो है 450 mmHg, और अगर बी की बात की जाए तो बी का जो मेरे पास वेपर प्रेशर है वो है 700 mmHg। तो यू हैव टू फाइंड द टोटल वेपर प्रेशर, सॉरी यू हैव टू फाइंड द कंपोजिशन, यू हैव टू फाइंड द कंपोजिशन। तो आपको ऐसा कि मोल फ्रैक्शन निकालना है ऐसा कह सकते हैं, और टोटल वेपर प्रेशर आपको दे रखा है कितना दे रखा है 600 mmHg। मैंने तो चलिए ठीक है कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो दे रखा है निकालना है कि मैंने मोल फ्रैक्शन ए का भी और बी का भी। तो आपके पास ऐसा है कि निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसा है कि फॉर्मूला जब हुआ करता आपको याद होना चाहिए, PT इक्वल टू क्या होता है मेरा, पी ए प्लस बी बी। बहुत बढ़िया अद्भुत, उस हिसाब से देखा जाए तो पी ए कितना हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। बहुत सही चीज है। अच्छा, अब क्या बात करें, हम आपको सिंस वी नो दैट एक्स ए कैन बी रिटर्न एज 1 - xv, तो इस हिसाब से आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा पी ए नॉट 1 - xv प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो अगर बात की जाए मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, एक तो आ जाएगा पी ए नॉट प्लस एक्स पी, मेरे पास कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा मेरे पास पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। ठीक, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा माइनस पी ए नॉट एक्स पी, समझ में आ रही बात। तो मैंने इस फॉर्मूला ये हमने याद हो डायरेक्ट, तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम इस तरह से कर सकते हैं, और इस पर भी कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से, आसान सी चीज है। अच्छा, तो पीटी जो आपको जो वैल्यू जो दे रखी है ना, आप जो भी वैल्यूज दे रखी है वो सारी वैल्यूज रखते हैं, जब टोटल प्रेशर की वैल्यू है 600 mmHg, पी एन आउट जो मुझे दे रखा वो दे रखा 450 प्लस एक्स बी की बात की जाए, एक्स बी नहीं पता सर है ना, और पी बी नॉट जो मेरे पास आ रहा होगा 700 - 450 है ना, बहुत बहुत आसान है ये चीज है ना। अब आप क्या करेंगे, 450 तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 150। ठीक है, इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा एक्स बी मल्टीप्लाइड में, तो यहाँ पर मेरे पास कितना हो जाएगा 250। कोई डाउट है आपको, इसे होना तो नहीं चाहिए है ना। अच्छा, अगर आपको एक्स बी निकालना तो किस तरह से निकाले, मेरे पास 150 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, कैंसिल 3.5 व्हिच कैन बी 0.6। एक्स ए की बात करेंगे तो क्या करते हैं, 1 में से एक्स बी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कि सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन कितना हुआ करता है 1 हुआ करता है, तो इस हिसाब से मेरे पास हो जाएगा 1 - 0.6 व्हिच इज एक्स ए जो हो जाएगा 0.2। हो गया क्वेश्चन है ना, क्या था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, वापस समझिए आराम से, मेरे पास एक सॉल्यूशन दे रखा था उसका दो कंपोनेंट्स है, पहले का नाम ए दूसरे का नाम बी, समझ में आ रही बात। तो अगर यहाँ पे बात की जाए आपके पास, तो आपको क्या फाइंड करना था, मुझे फाइंड करना था कंपोजिशन, अगर उनके प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर दे रखा था, और मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन जो बना था उसका टोटल वेपर प्रेशर भी मुझे दे रखा था, ऐसे पूछे। ठीक है, फॉर्मूला लगाया पी ए प्लस बी बी, अगर आपको फिर सीधी सी बात ऐसा है कि जो मेरे पास फॉर्मूला होते हैं रोल्स के हिसाब से वो फॉर्मूले लिख लिए, अब क्या किया एक्स ए का जो होता है वैल्यू होती है 1 - xv, सही बात है। तो मैंने क्या किया, रखा इस तरह से, और मैंने फिर क्या किया सिंप्लीफाई कर लिया, और ये जो फॉर्मूला मेरे पास आता है डेरिवेशन हमने इसका कर रखे हैं पहले भी, और अगर आपको याद हो तो बहुत बढ़िया है ना, खुशी की बात। तो फिर हमने क्या किया 600 इक्वल टू हो जाएगा वैल्यूज जो थी मेरे पास है पीटी की, जो पीटी वैल्यू 600 इक्वल टू पी ए नॉट वैल्यू 450, जो जो वैल्यू तो मुझे पता थी वो वैल्यू रख ली, एक्स बी की वैल्यू मुझे पता नहीं है तो वो निकल के आगे 0.6। अब एक्स ए निकालना है तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं 1 - xv को माइनस कर लीजिए, तो 1 - 0.6 विल गिव यू 0.5। इजी, वेरी इजी है ना, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना, और ये क्वेश्चन है हेनरी लॉ के ऊपर आधारित है ना, क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से समझ लेते हैं फिर बात करते हैं ना। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर है ना, CO2 को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो उसके लिए हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है ये 1.67 × 10⁸। ठीक है, 8 to 98 केल्विन है ना, रूम टेम्परेचर पर बात हो रही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर
फलाना प्रेशर एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने, CO2 पे निकालने, 500 ml ऑफ सोडा वाटर के अंदर जो इतने प्रेशर के ऊपर पैक किया गया है, है ना। अगर आपको क्वेश्चन पढ़कर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सबसे पहले आपका फोकस रहना चाहिए गिवन के ऊपर, है ना। थोड़ा ऐसा कि गिवन करके थोड़ा सा क्या क्या गिवन है, तो मेरे पास ऐसा KH2O गिवन है, किसकी मेरे पास ऐसा है कि जो मेरे पास सोल्यूशन होगा उसके लिए 1.67 × 10⁸ पास। चलो ठीक है, अच्छा प्रेशर दे रखा है किसका, गैस का, ठीक है, CO2। तो प्रेशर ऑफ CO2 दे रखा है मुझे 2.53 × 10⁵ पास्कल। अच्छा, और मुझे मोल फ्रैक्शन दे रखा है क्योंकि मुझे पता है ये फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में चलता है ना। प्रेशर इज इक्वल टू केज इनटू एक्स, प्रेशर डायरेक्टली ऑफ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो इस हिसाब से क्या एक्स CO2 दे रखा है, मैंने कहा ये सर ये नहीं है, नहीं है। अच्छा, और कुछ क्या निकालना, मुझे बोला गया सर ऐसा है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन से वो निकल जाएंगे। यहां पर एक और चीज आई है, वो आई है 500 ml, दैट इज द वॉल्यूम, है ना। ठीक, इसको देखते हैं ये कहां पर काम आता है। ठीक है, तो पहली बात तो करते हैं सेल्स बाय हेनरी पर काम शुरू कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हेनरी लॉस के हिसाब से बात अगर की जाए तो PCO2 जो होना चाहिए वो होना चाहिए KHXCO2, बिल्कुल सही। तो अगर मैं यहां पर बात करूं XCO2 की, तो मेरे पास हो जाएगा PCO2 अपॉन KH, और बेसिकली उसका फॉर्मूला लिखना चाहिए मोल फ्रैक्शन का, वो होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, इनका बिल्कुल सही। ठीक है, अब सोचना शुरू करते हैं। तो मैंने कहा सर ऐसा है, यहां पर प्रेशर ऑफ CO2 जो मुझे दे रखा था वहां से उठाएंगे तो 2.53 × 10⁵ डिवाइडेड बाय KH की जो वैल्यू आती है 1.67 × 10⁸ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। मैंने कहा एक बार तो वैसा वैसे कहता हूं, और नीचे की तरफ अगर बात की जाए, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा आप खुद सोचिए थोड़ा सा, तो −5, −8, −3, तो मोल फ्रैक्शन जो है ना वो बहुत कम आ रहा है, किसका CO2 का, CO2 का मोल फ्रैक्शन बहुत कम आ रहा है, मतलब इन ऑर्डर ऑफ 10⁻³, इसका मतलब ऐसा है उसका अमाउंट बहुत कम है, और जब बहुत कम अमाउंट है एन CO2 का एज कम्पेयर टू एन H2O, तो हम इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तो मेरे पास एन H2O लिख देते हैं। समझ में आ रही बात। अच्छा, जब मैं यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करूंगा तो 163 को डिवाइड करना है 167 से, तो एक बार तो वन टाइम में जाएगा आपके पास, आपको पता ही है ना। और यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ऐसा कुछ आना चाहिए, फिर आपके पास 860 हो जाएगा, और कितनी बार जाना चाहिए, 4 times अप्रोक्सीमेटली, ऐसा कुछ, हाँ नहीं 4 times से 5 बार जाएगा, हाँ 5 times, 5 times जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा 1.5 अप्रोक्सीमेटली कुछ आएगा मेरे पास, तो हम बात कर लेते हैं ऐसा है कि 1.5 वापस आ जाएगा मेरे पास अप्रोक्सीमेटली, तो 1.52 कर लेते हैं। तो मेरे पास ये जो वैल्यू आने वाली 1.52 इज इक्वल्स टू NCO2, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। NH2 की अगर बात की जाए, यहां से देखना आप चाहे तो साइड में स्टार्टिंग में निकाल सकते थे, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O की बात की जाऊं तो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास मुझे पता होता है 18 होता है, मास मुझे पता नहीं, तो वाटर के लिए हमेशा आपको पता है डेंसिटी मेरे पास जो हुआ करती है वो होती है 1 g/cc, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 g/mL, है ना। तो उस हिसाब से डेंसिटी 1 है तो मास और वॉल्यूम बराबर होगा, तो मेरे पास 500 ml जो दे रहे हैं ना, तो वो हो जाएगा 500 g, तो 500 g में यहाँ पर यूज करूंगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स यूज करूंगा 500 / 18, ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको CO2 निकालना हो 1.52 × 500 / 18, ठीक, और इसको हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
देख लो प्लीज, गलत कैलकुलेशन करनी है थोड़ा सा, तो यहाँ आ जाएगा 9.76 ऐसा कुछ आ जाएगा, पॉइंट उठा लेते हैं, नीचे 100 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 42.2 तो या हो जाएगा 42 पॉइंट, है ना, या फिर इसको हम कह सकते हैं 0.042 मोल्स, है ना। तो ये आपका इस तरह से, या फिर आप बोल सकते हैं 42.2 मिलीमोल्स, क्या हो जाएगा मिलीमोल्स, क्योंकि मैंने 10^-3 वहां पे हटा दिया था इस तरह से, या फिर आप ऐसा कि लेके चलेंगे तो 0.042, या फिर 10^-3 लगा के रखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 30 ग्राम ऑफ यूरिया मोल मास देने का 60 ग्राम पर मोल, बताइए सभी को, इट डिसॉल्व्ड इन 846 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ H2O फॉर दिस सॉल्यूशन, ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 एमएम ऑफ एच। देखो क्वेश्चन को अगर ध्यान से थोड़ा सा, तो मेरे पास यहां पे दो चीजें हैं, एक है यूरिया, दूसरा है वाटर, ये भाई साहब आपके सॉल्वेंट, इनको हम वन से पुकारेंगे, ये मेरे पास है सॉल्यूट, ठीक है, जिनको हम बोलेंगे वैसा नंबर 2। क्या क्या दे रखा है, तो मुझे दे रखा है W2 दे रखा है, जो कि है 30 ग्राम, मैंने कहा ऑब्वियसली इट इज, और क्या दे रखा है मुझे, दे रखा है M2 भी, है ना, सॉल्यूट के लिए, तो मेरे पास ये 60 ग्राम पर है पर मोल जो दे रखा है, वैसा लिख लेते हैं। सॉल्वेंट के लिए बात की जाए तो डिसॉल्व्ड इन, है ना, तो W1 दे रखा है 846 ग्राम, इसका मोलर मास आपको पता ही 18 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है, और क्या दे रखा है आपको, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, इफ द प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 23.8 एमएम ऑफ एच है ना, इसका मतलब ऐसा है कि आपके पास P1 नॉट दे रखा है सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में 23.8 एमएम एच जी, आपको निकालना है P1 कितना आ रहा है, ठीक है। अब सीधी सी बात ऐसा है कि आपने क्या किया, प्योर फॉर्म में था इतना, सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, कॉन्सेप्ट कौन सा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट कहता है, क्या कहता है कॉन्सेप्ट, सिंस बाय रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट वी हैव P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू H2, ऐसा होता है, एंड विच इज नियरली इक्वल टू N2 इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस, है ना। तो मेरे पास ऐसा है कि यूरिया का जो नंबर ऑफ मोल्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0.5 मोल्स, है ना, जबकि वाटर के आपके पास जो आएंगे बहुत ही ज्यादा आएंगे, है ना, तो उसके कंपैरिजन में ऐसा अगर चाहे तो है ना, चाहे तो हम नेगेटिव कर सकते हैं, है ना, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, तो मैंने H2, है ना, विच इज नियरली इक्वल टू यू कैन से N2/N1, है ना। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो क्या होता है आपके पास, ये होता है आपके पास W2 into M1 divided by M2 into W, ऐसा कुछ था मेरे पास, है ना, और यहाँ पर P1 not minus P1 divided by P1, ऐसा कुछ है, वैल्यू रख लेते हैं, P1 not की वैल्यू है 23.8, अच्छा, minus P1 divided by 23.8 is equals to, है ना, what is W2? W2 मैंने कहा 30, what is M1? मैंने कहा 18 divided by M2 मैंने कहा 60 इंटू W1 मैंने कहा 846, है ना, तो ये आपका हो गया 2, ये हो गया 9, है ना, और क्या हो सकता है, 9 टेबल से जा रहा है मेरे हिसाब से, 9 9 81, है ना, 3 36, 9 4 36, ठीक है सर, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो ऐसा है कि 94 × 23.8 माइनस 94 × P1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 23.8, है ना, ऐसा कुछ, ठीक। अच्छा, अब ये जो तस्वीर है ये उधर पे है, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 94 × 23.8 माइनस 23.8 इज इक्वल्स टू
94 into P1 है। और आप क्या करेंगे, आप यहां से क्या कर लो 23.8 है, कॉमन ले लो है। वैसे कुछ फायदा तो है नहीं, वैसे आप मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते तो ज्यादा आसान रहता वैसे तो, है ना। तो जो आपको अच्छा लगे वो यहां पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, या 94 माइनस 1 हो जाएगा, अब ये जो 94 है वो यहां आ जाएगा, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा P1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह सब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। अप्रोक्सीमेटली जो आंसर मेरे पास आ रहा है वो आ रहा 23.5, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23.54 mm ऑफ h, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, कैलकुलेशन में आपको ऊपर छोड़ता हूं। चलिए अब बात कर लेते हैं नए टॉपिक की, जो हमारे पास आ रहा है अलिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। अब बेसिकली बात करते हैं कि अगर आपको डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या, तो आप बोलते सर ऐसा द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस बॉइल्स, है ना। और बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, क्या पढ़ते आ रहे हैं सर, ऐसा वो टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस बॉइल हो जाए वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अच्छा, जिस पे कोई फ्रीज हो जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, मेल्ट हो जाए तो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ऐसा कुछ, है ना। पर अगर आपको कहा जाए कि अभी तक मेरे पास जो कॉन्सेप्ट जो चल रहा है वो चल रहा है वेपर प्रेशर के इर्द गिर्द, है ना। तो वेपर प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी हुई, और मेरे हिसाब से आपने 11th क्लास में एक डेफिनेशन और पढ़ी थी बॉइलिंग पॉइंट की इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर, याद है नहीं याद। ऐसा कहा जाता है कि अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास दो कंपोनेंट ए एंड बी, और मैंने उनको बॉइल करना शुरू किया तो क्या उनकी वेपर बनेगी, वो क्या करेंगे सॉल्यूशन से बाहर आएंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, फिर वो क्या करेंगे सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे, समझ में आ रही बात। तो वो लिक्विड के लेयर के ऊपर क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाते हैं, उस प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं, ये तो सबको पता ही है। नई चीज क्या है, नई चीज ये है कि अगर आपके पास जो वेपर प्रेशर जो लगा है, जो वेपर का पार्टिकल लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर लगा रहा है, वो प्रेशर अगर आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर आपका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसका मतलब ऐसा है कि बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर लिया गया, मतलब ऐसा है कि वो जो टेम्परेचर जो होगा वो टेम्परेचर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा है कि आप कह सकते हो कि एक तरह से ऐसा कि मैक्सिमम वेपर प्रेशर जो होता है वो आपका ये हो सकता है ऐसा क्या 180 क्या आपका वेपर प्रेशर 180 से ज्यादा हो सकता है, क्यों हो सकता है, सोचना इसके बारे में और मुझे बताना, ठीक है, या कमेंट सेक्शन में जैसा भी आपको लगे उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो मैंने कहा सर सीधी सी बात क्या होगा कि सर ऐसा है कि बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए, उसकी डेफिनेशन आती क्या कहते हैं, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट becomes equal to 180 और you can say atmospheric pressure, क्या बोल सकते हैं atmospheric pressure। अब ये ध्यान रखना है ऐसा कि अगर मेरे पास कोई ऐसी सरफेस है, ऐसा कहीं ऐसा है कि geographical area है जहां पर अगर ऐसा हाइट पे जाते हैं तो वहां पर आपके पास क्या हुआ atmospheric pressure 180 से कम होता है। मैं बात समझ रहे हैं, मैं जब कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग जो हाइट पर रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर जो लोग रहते हैं, तो वहां पर आपके पास क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है मतलब सीधी सी बात ऐसा है कि अगर आप किसी भी चीज को बॉइल करते हो तो वो वाली जो कंडीशन बॉइलिंग वाली कंडीशन जल्दी अचीव कर लेगा, मेरा समझ रहे कि मतलब सीधी सी बात ऐसा है कि उनके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 नहीं है, कितना होगा 0.980 सपोज। तो अगर ऐसा है कि बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे आपका वेपर प्रेशर बढ़ते 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 180 तक आ जाए, जैसे 180 वाली कंडीशन है क्या बोलेंगे भाई इस टेम्परेचर पे क्या होगा सब्सटेंस बॉइल होना शुरू हो गया, मेरी बात समझ रहे। तो इसका मतलब ऐसा है जो लोग हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, है ना, और वहां पर वेपर प्रेशर क्या है कम है, तो मतलब ऐसा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पर कम है। तो अगर मैं किसी भी चीज को बॉइल कर रहा हूं तो उसका वेपर प्रेशर 0.9 बड़ी आसानी से आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, कम टेम्परेचर पे आ जाएगा, समझ में आ रही बात। तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है किसी भी चीज का। जैसे मैं बोलूंगा सर ऐसा है कि हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर है या सी लेवल के आसपास अगर बात की जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, ऑब्वियसली इट इज राइट। पर एल्टीट्यूड पे आप जाओगे तो वहां पर अगर ऐसा है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 99 भी हो सकता है, 98 भी हो सकता है, 97 भी हो सकता है, समझ में आ रही बात। अब ऐसा है कि अगर कोई चीज जल्दी उबल जाए
जैसे कि ऐसा अगर आपने खाना पकड़ने के लिए आप इस एप्लीकेशन यूज करते हैं जनरली ऐसा कि अगर आपको कोई सब्जी बनानी है चावल पकाना जो कुछ भी काम है तो कॉन्सेप्ट ये है कि सर ऐसा पानी बॉइल होता है और बॉइल करते समय जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी से वो क्या कर लेता है खाना पकता है आपके पास। कॉन्सेप्ट यही अगर आपके पास कोई चीज़ ऐसा है कि थोड़ा सोचा जाए इस केस में अगर थोड़ा सा ध्यान से सोचना कि अगर मेरे पास ऐसा मैं किसी भी चीज़ को पानी को वाटर को बॉइल करना शुरू करता हूँ तो वाटर को भी बॉइल करना शुरू करता हूँ तो पहले अगर इसका टेम्परेचर 20 है सपोज 30 होगा फिर 40 होगा हीट देता जाऊंगा उस हिसाब से जैसे जैसे मैं हीट दूंगा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे आके इसका टेम्परेचर हो जाएगा कॉन्स्टेंट क्योंकि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। जब तक सारे के सारे पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट नहीं होते तब तक इस पूरे लिक्विड का या वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कॉन्स्टेंट ही रहेगा। आप समझ में आ रही बात मैं जो बोल रहा हूँ? अगर आप कहें सर सीधी सी बात कॉन्स्टेंट रहता है मैं हीट तो दे रहा हूं तो वो एनर्जी कहां गई तो वो एनर्जी स्टेट चेंज में यूज हो जाती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इस कंडीशन में। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहां समझ में आ रही बात? और अगर सबको सीधी सी बात ऐसा है कि अगर आपके पास मैं जो बात करता हूं उसी पॉइंट पे आता हूं बस अगर मेरे पास ऐसा है कि बॉइलिंग पॉइंट कम है 99 डिग्री सेल्सियस है तो मतलब सीधी सी बात ऐसा है कि उसको वाटर बॉइल होना शुरू हो जाएगा। कम एनर्जी मिलेगी कम टेम्परेचर है तो कम एनर्जी मिलेगी कम हीट एनर्जी मिलेगी तो आपका ऐसा है कि खाना सही से पक नहीं पाता। समझ में आ रही बात? खाना सही से पक नहीं पाता है ना। एक दूसरा यूज हम बात करते हैं प्रेशर कुकर यूज करते हैं है ना। प्रेशर कुकर यूज करने से क्या होता है सर? ऐसा है कि आपका प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ जाता है तो उससे क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उससे आपके पास क्या वो चीजें जल्दी पकेगी मतलब उससे आपके पास समझ लो बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा बढ़ जाएगा। तो यहां पर हम बात करते हैं किसके ऊपर एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ है किस तरह से होता है समझना शुरू करते हैं। तो मेरे पास सपोज ऐसा समझ लो ये ग्राफ से हम समझेंगे है ना। मेरे पास ये जो ग्राफ है ये है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर और ये जो आपके पास लेवल जो आ रहा है ये है 180 किसका आ रहा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या हुआ कि मैंने सर सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास आपको पता होना चाहिए वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का तो मैंने कहा सॉल्वेंट का ज्यादा होता है तो ऊपर वाला जो ग्राफ है वो सॉल्वेंट का है नीचे वाला जो है वो सॉल्यूशन को डिनोट कर रहा है ना। तो आपका टेम्परेचर के साथ में वेपर प्रेशर किस तरह से चेंज हो रहा है सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन के लिए आपने लिखा हुआ है ना। अब चूंकि मेरे पास ऐसा है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है तो उसका ग्राफ सॉल्यूशन से ऊपर आएगा। अब मैंने कहा सीधी सी बात ऐसा है द टेम्परेचर at which the vapor pressure of any component or any mixture becomes equal to 180 m to 180 के बराबर हो जाएगा तब की बात करनी है। तो मैंने क्या किया यहां से ये लाइन आगे एक्सटेंड की तो सॉल्वेंट को आपस 180 वाली जो कंडीशन में कट कर रहा है इस पॉइंट पे उसके लिए जो टेंपरेचर जो मेरे पास आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है TB नॉट तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया किसका सॉल्वेंट के लिए। ठीक है सॉल्यूशन के लिए बात की जाए तो आपको लगने से सीधी सी बात ऐसा है यहां पर क्या हो रहा है कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर लिया। हम क्या बोल रहे हैं सर सीधी सी बात ऐसा है कि आपका डेफिनेशन के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस बॉइल्स और वेपर प्रेशर की टर्म में बात करेंगे द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारे पास दो चीजें हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों का वेरिएशन देख रहे हैं वेपर प्रेशर का वेरिएशन विद टेम्परेचर। तो मैंने क्या कहा सीधी सी बात ऐसा है कि भाई ऑब्वियसली अगर बात की जाए तो टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर कम होता है टेम्परेचर बढ़ाते हैं हीट ज्यादा देते हैं तो वेपर प्रेशर भी आपका क्या होता है बढ़ता है तो आपके पास ही इंक्रीज हो रहा है ना। देखा जाए तो कर्व जा रहा है सॉल्वेंट का ये सॉल्यूशन। अब मेरे पास कंडीशन क्या होती है ऐसा है कि अगर बात की जाए ये 180 का मेरे पास लाइन है पॉइंट है उसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ सॉल्वेंट को इस पॉइंट पे और सॉल्यूशन को इस पॉइंट पे क्या करता है इंटरसेक्ट करता है। तो मैंने देखा आपके पास ये आ रहा है आपके पास टीवी नॉट और ये मेरे पास आ रहा है टीवी। ठीक है अब क्या करें तो अब मैंने बोला सीधी सी बात ऐसा है कि अगर देखा जाए यहाँ पर ध्यान से तो आप यहाँ पे देखते भी ऐसा है जो आपका टीवी नोट जो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है किससे सॉल्यूशन से। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऐसा है टीवी नॉट इज लेस देन टीबी कम है भाई टीवी नॉट है ना किसका मैंने कहा ये सॉल्वेंट का कम है किससे सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ क्यों जाता है ये क्वेश्चन पूछा गया है ना बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि भाई सॉल्यूशन का आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है लॉजिक दीजिए। तो इसमें सीधा सा आपको सी लॉजिक आता है सिंस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट
सॉल्वेंट का अगर प्रेशर ज्यादा होता है सॉल्यूशन का कम होता है, मतलब बिल्कुल सही बात है। अच्छा तो इसका मतलब ऐसा है कि सॉल्यूशन के अंदर वेपर्स कम बनती है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप हीट करते हो तो वेपर बनेगी, वेपर जाएगी कहां से, सॉल्यूशन से बाहर, और वापस जब वो क्या आएगी अंदर आएगी तो प्रेशर लगाएगी। ज्यादा वेपर बनी है तो ज्यादा वापस अंदर आएगी, ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। समझ में आई बात? सॉल्यूशन के अंदर होता है कि आपको ऐसा है कि भाई पहली बात तो पार्टिकल जाए कम बाहर पाते हैं, बाहर जाने वाले पार्टिकल वैसे भी कम है, ठीक है, तो बाहर कम जाने पाते हैं, मतलब सीधी सी बात अंदर आएंगे भी कम, तो उनका वेपर प्रेशर होता है कम। अब उस कम वेपर प्रेशर को 180 तक लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मोर हीट इज टू बी गिवन, आपको ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायरमेंट रहता है। तो सीधी सी बात ऐसा है कि आपको वेपर प्रेशर कम होता है, तो सीधी सी बात ऐसा है कि टू इंक्रीज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टू 180 एटीएम मोर हीट और यू कैन से टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, मोर हीट और टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, आपको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए उसको हीट करने के लिए ताकि वो 180 तक पहुंच सके, तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, तो इस कारण से आपका क्या हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। हमेशा होता है, हम हमेशा करते भी हैं, कोई चीज आपको जल्दी बॉइल करनी है तो आप क्या कर देते हैं उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ना, दाल उबालते समय पल्सेस वगैरह उबालते समय हम ऐसा करते हैं, हम करके अंदर है ना जो कुकिंग करते हैं घर में उसको पता होगा ऑब्वियसली, है ना। अच्छा ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं डेल्टा टीपी। तो डेल्टा टीपी मेरे पास क्या है यहाँ पे, डेल्टा टीपी इज व्हाट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो डेल्टा टीपी जो होता है वो होता है मेरे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब सवाल ये आता है कि ये पूछा जाता है कि भाई सीधी सी बात ऐसा है कि किस तरह रिलेशन किस तरह से वेरी करता है वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीपी नॉट टीपी डेल्टा टीपी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी के, नॉट मोलरिटी, किसके प्रोपोर्शनल होता है छोटी मार मतलब मोलरिटी के, ये जानना। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल आपके पास रहता है तो मेरे पास आप एक क्वेश्चन आता है जिसको हम बोलते हैं केबी एम ऐसा का ऐसा। व्हाट इज केबी हियर, केबी मेरे पास होता है आपके पास क्या, हाँ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और बेचारे को कभी कभी क्या कहते हैं एपिलोस्कोपिक एपिलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। और हर सब्सटेंस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग हुआ करती है। अब सिंस मुझे पता है मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे 2 से N2 अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट, अगर ये ग्राम में है तो यहाँ पे क्या है 1000 का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। इसको हम और लिखेंगे ऐसा है कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास हो जाएगा यहाँ पे M2 into W1 ऐसा बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे M2 की जगह लिख रहे थे W2 है ना, गिवन मास और मोलर मास ये W1 ऐसा कैसा 1000 ऊपर की तरफ आपका ऐसा आता है। समझ में आ रही बात, ये नंबर ऑफ मोल्स होगा ये 1000 ऐसा कैसा W1 ऐसा कैसा, ये जो वैल्यू हम की है वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो डेल्टा टीपी की जो वैल्यू मेरे पास आती है वो आती है KB into W2 into 1000 divided by M2 into W2। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो इसके ऊपर काफी न्यूमेरिकल आ चुके हैं बोर्ड के अंदर भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, तो फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो याद रखेंगे आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि ऐसा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है कम होता है, उस वेपर प्रेशर को 180 तक इंक्रीज करने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसका भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है ऐसा समझ सकते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाता है। समझ में आ रही बात, ये चीज ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आसान सी चीज है, कोई डाउट हो तो बोलिएगा।